स्वामी जी एक चीज पूछना था, आप इतना बोल्डली हक की बात करते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, आपको इस चीज से थोड़ा डर नहीं लगता? देखिए कि मैं सच बोलता हूँ तो ये इसी को मैं इबादत मानता हूँ। मैं कोई मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाता, कोई पूजा पाठ नहीं करता। सच बोलना और इंसाफ के लिए, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, बस एक लाइन। और इतना ज्यादा लोग और अटैक होते हैं, मेरे ऊपर जब अभी हुए एक डेढ़ साल पहले पाकुड़ झारखंड में हुआ, आरएसएस बीजेपी एबीवीपी इन्होंने मॉब लिंचिंग किया था, मैं बच गया, तो उसको मैं ईश्वर की कृपा मानता। फिर 17 अगस्त को किया, एक महीने बाद अटल जी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने, तब भी मैं बच गया। तो ये लोग सबसे ज्यादा मेरे से घबराते हैं, क्योंकि मैं सबको इंसानियत की तरफ, इंसान के नाते देखता हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, समझे ना, हमारा एक ही पहचान होनी चाहिए, हम इंसान है, ना हिंदू ना मुसलमान, और इंसानियत ही हमारा मजहब है। और उस मजहब का सबसे बड़ा कि हम सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं, कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं। और पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मैं 5 बार गया हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी जाता हूँ, सब दुनिया के सब देशों में। ये जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके ऊपर लग नहीं रहा कि कोई लगाम लगाएगा, और ना ही इनको कोई डर और भय, इसके ऊपर लगाम लगाने का क्या तरीका क्या है? अभी जो फैज अहमद फैज की नज्म गा रहे थे ना, तो वो कहते हैं खलके खुदा, ये जो है ना, ये है खलके खुदा। तो आम जनता जो होती है वही लगाम लगाती है बड़े से बड़े डिक्टेटर का, और उसकी शुरुआत हो गई। ये सीए वगैरह भी हट जाए, कुछ हो जाए और चले गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में अभी 1% भी लागू, 1% भी नहीं लागू हुआ, 70 साल हो गए, बहुत शेमफुल। आगे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप भी ये लोग बोलते हैं हम इस कानून में पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी होगी? ये तो अभी शुरू हुई है, एक तरह से आजादी की लड़ाई हमारी कितने साल चली है, ऐसी ही ये लड़ाई चलती 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 रहनी चाहिए। तो स्वामी जी आखिर में व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? गोदी मीडिया के बदले सोशल मीडिया अपनाओ, पॉजिटिव मैसेजेस दो, वायलेंस का कंडेम करो, और कोई भी सूरत में वायलेंस मत होने दो, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी वायलेंस हो, उसका जवाब कितना झूठ बोले उतने ही जोर से सच बोलो, तो सच से झूठ को हरा सकते हो, झूठ से झूठ नहीं आता, और वायलेंस को नॉन वायलेंस से हरा सकते हो, और अपनी एकजुटता से, कटिंग अक्रॉस ऑल जो बॉर्डर्स हैं या आइडेंटिटीज हैं, एज ह्यूमन बीइंग, यही है।